हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा। गाइस, आज जो है हम आपके जीके का टॉपिक FFAA का फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जीके का टॉपिक है इन्वायरमेंट इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, उसके ऊपर जो है हम MCQs करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इंसेक्ट बॉर्न डिजीज, इनमें से कौन सी इंसेक्ट बॉर्न डिजीज जो है वो नहीं है? मलेरिया, बेरी बेरी, येलो फीवर, डेंगू फीवर। तो इनमें से कौन सी जो है वो इंसेक्ट बॉर्न डिजीज जो है वो नहीं है? तो वो कौन सी है? बेरी बेरी। ठीक, नेक्स्ट। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग एरिया इन इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एंडेमिक प्लांट स्पीसीज, इनमें से कौन सा ऐसा एरिया है इंडिया में जिसमें लार्ज नंबर ऑफ एंडेमिक प्लांट स्पीसीज है? ठीक है, हिमालयन रीजन, मालवर रीजन, गंगेटिक रीजन, वेस्टर्न गार्ड्स। तो इनमें से कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पे एंडेमिक प्लांट्स, बहुत सारी प्लांट स्पीसीज हैं? तो वो कौन सा है? वेस्टर्न गार्ड्स। ठीक, नेक्स्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द इकोलॉजिकल पैरामीटर ऑफ नंबर्स इज ब्रॉड इन सेंटर, इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें इकोलॉजिकल पैरामीटर ऑफ नंबर जो है वो बीच में से ब्रॉड होते हैं? ठीक है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम, पैरासिटिक फूड चेन, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो इसमें से कौन सा है? फॉरेस्ट इकोसिस्टम। अब मैं आपको बताऊं कि जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम था, इसका बेस जो होता है वो फॉर्म होता है प्रोड्यूसर से। ठीक है, एक बहुत बड़ा लार्ज साइज ट्रीज की तरह प्रोड्यूसर से इसका बेस, पायरामिड का जो बेस है वो स्टार्ट होता है। उसके ऊपर जो हार्बीवोरस आते हैं, जैसे फ्रूट ईटिंग बर्ड्स आ गए, डियर, एलिफेंट, ये जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर्स बनाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स बनाते हैं। तो इसमें जो नंबर्स हैं वो सक्सेसिव लेवल से नीचे नीचे आते रहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो है जो पैरामिड है, नंबर ऑफ पैरामिड्स है फॉरेस्ट इकोसिस्टम में, वो अपराइट है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम का जो पैरामिड है वो उसकी शेप क्या है, अपराइट या स्पिंडल शेप जो है हम उसको बोल सकते हैं। तो इसके अपराइट या स्पिंडल शेप है और ये बीच के नंबर जो होते हैं वो उसमें जो सेंटर वाला है वो ब्रॉड आता है। ठीक, नेक्स्ट। द नेशनल पार्क्स इन इंडिया आर इक्विवेलेंट टू विच अमॉन्ग द फॉलोइंग IUCN प्रोटेक्टेड एरिया मैनेजमेंट कैटेगरीज, जो नेशनल पार्क हैं हमारे यहाँ पे, तो इनमें से IUCN जो है प्रोटेक्टेड एरिया मैनेजमेंट कैटेगरी है, तो इनमें से कौन सी है? ठीक है, तो IUCN LA, IUCN LB, IUCN सेकेंड, IUCN थर्ड। तो कौन सा है? IUCN सेकेंड। ठीक है, मतलब IUCN प्रोटेक्टेड एरिया मैनेजमेंट कैटेगरी है, तो उसमें नेशनल पार्क जो है वो किस में आता है? तो वो किस में आता है? IUCN सेकेंड में। अब मैं बताती हूँ आपको, IUCN LA जो है उसमें स्ट्रिक्ट नेचुरल रिजर्व्स आते हैं, ये आप नोट डाउन कर दीजिए। जैसे आपको इसका नेशनल पार्क का आया, ऐसे ही ये रिजर्व्स का भी आ सकता है। तो फिर से बताती हूँ, जो IUCN LA है आपका स्ट्रिक्ट नेचुरल रिजर्व आएगा, फिर जो B है IUCN IB, ठीक है, तो वो जो है वाइल्डनेस एरिया में आएगा। IUCN सेकंड जो है आपका नेशनल पार्क आएंगे, IUCN थर्ड जो है नेशनल मॉन्यूमेंट्स आएंगे, IUCN फोर में हैबिटेट या स्पीसीज मैनेजमेंट एरिया आएगा, फाइव में जो है प्रोटेक्टेड लैंडस्केप आएगा, और सिक्स्थ में जो है प्रोटेक्टेड एरिया विद सस्टेनेबल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अगर आपको ये नहीं पता चलेगी तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको वहाँ पे लिख के बता दूँगी। ठीक है, तो IUCN फिर से बता देती हूँ, IUCN जो है ए वाला फर्स्ट जो है वो स्ट्रिक्ट नेचुरल रिजर्व से है, बी वाला वाइल्डनेस एरिया के लिए है, थ्री वाला नेचुरल पार्क के लिए है, फोर वाला नेचुरल मॉन्यूमेंट, थर्ड वाला नेचुरल मॉन्यूमेंट, फोर वाला हैबिटेट एंड स्पीसीज मैनेजमेंट एरिया, फिफ्थ वाला प्रोटेक्टेड लैंडस्केप, सिक्स वाला प्रोटेक्टेड एरिया विद सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक, नेक्स्ट। विच अमंग द फॉलोइंग प्ले रोल इन ग्लोबल वार्मिंग, इनमें से कौन सा है जो ग्लोबल वार्मिंग में रोल जो है वो प्ले करता है? वाटर वेपर्स, लॉफिंग गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इनमें से कौन सा है जो इसमें आपका ग्लोबल वार्मिंग में जो है वो
प्ले रोल करता है? वाटर वेपर्स, स्लोफिंग गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड. ऑप्शन ए इज 1, 2, and 3. ऑप्शन बी इज 1, 2, 3, and 4. ऑप्शन सी इज ओनली 2 and 4. एंड ऑप्शन डी इज ओनली 1 and 4. तो इनमें से कौन सा है जो तुम्हारा इसमें काम आता है? तो ऑप्शन बी, सारे जो हैं तुम्हारे ग्लोबल वार्मिंग में काम आते हैं, वाटर वेपर्स भी, लॉफिंग गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड. अब अगर मैं बोलूँ कि लॉफिंग गैस को जो है नाइट्रो, लॉफिंग गैस दी है ना आपको, लॉफिंग गैस का जो साइंटिफिक नाम है या इसका फॉर्मूला नाम है तो वो क्या है? तो वो क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड. ठीक, लॉफिंग गैस को क्या कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फॉरेस्ट ऑक्यूपाइज लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया? इनमें से कौन सा ऐसा फॉरेस्ट है जिसने लार्जेस्ट एरिया जो है इंडिया में कवरअप किया है? ट्रॉपिकल मॉस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट? तो इनमें से ऐसा कौन सा है जिसने इंडिया में सबसे ज़्यादा एरिया कवर किया है फॉरेस्ट ने? तो वो कौन सा है? ट्रॉपिकल मॉस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट. नेक्स्ट, रेड डाटा बुक प्रोवाइड्स डाटा ऑन. रेड डाटा बुक जो होती है वो प्रोवाइड करती है हमें डाटा किसके रिलेटेड करती है? रेड लाइन के रिलेटेड, रेड बर्ड्स के रिलेटेड, लिस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो रेड डाटा जो बुक है वो हमें हमेशा किसकी इंफॉर्मेशन देती है? एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड स्पीसीज. ठीक, ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट, a very large ecosystem on land having distinct type of vegetation and wildlife is called. बहुत बड़ा जो लार्ज इकोसिस्टम है लैंड पे उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ होती है उसको हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं, बायोम कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं या बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं. ठीक है, और वेरी बहुत सारा बड़ा इकोसिस्टम है जिसने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन या वाइल्ड लाइफ है तो उसको हम किसके नाम से बोलते हैं? तो उसको हम किसके नाम से बोलते हैं? बायोम. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट रिलेटेड टू द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? इनमें से ऐसा कौन सा फीचर है जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के साथ रिलेट नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन इज लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज, सेकेंड ऑप्शन इज एबुंडेंस ऑफ एंडेमिक स्पीसीज, लार्ज नंबर ऑफ एक्सॉटिक स्पीसीज एंड फोर्थ ऑप्शन इज डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट. क्वेश्चन क्या था हमारा कि ऐसा कौन सा फीचर है जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के साथ रिलेट नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन ए लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज होती हैं, एबुंडेंस ऑफ एंडेमिक स्पीसीज भी होती हैं, लार्ज नंबर ऑफ एक्सॉटिक स्पीसीज भी होती हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट इज इनकोरेक्ट. तो ऑप्शन डी इज इनकोरेक्ट. नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट डज सुंदरी ट्रीज बिलोंग? जो सुंदरी ट्रीज होती हैं वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है तो वो कौन से फॉरेस्ट के साथ बिलोंग करती हैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के साथ करती हैं, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्कर्ब्स के साथ, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट या मैनग्रोव फॉरेस्ट? तो ऐसे कौन से फॉरेस्ट है जिसे सुंदरी ट्रीज बिलोंग करती हैं? तो वो कौन सा है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट. नेक्स्ट, नेम द फॉरेस्ट इन विच टीक इज द मोस्ट डोमिनेंट स्पीसीज. कौन सा फॉरेस्ट है जिसमें टीक को जो है वो मोस्ट डोमिनेंट स्पीस के नाम से बोला जाता है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्कर्ब्स, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, मैनग्रोव फॉरेस्ट? तो इनमें से कौन सा ऐसा स्पीस है जिसमें जो है टीक जो है उसको मोस्ट एबुंडेंट स्पीस के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द हाइएस्ट बायोडाइवर्सिटी? इनमें से ऐसी कौन सी कंट्री है जहाँ पे हाइएस्ट बायोडाइवर्सिटी है? ठीक है, इंडिया, ब्राज़ील, रशिया, साउथ अफ्रीका. तो इसमें से कौन सी कंट्री है? ब्राज़ील. ब्राज़ील में जो है वो हाइएस्ट बायोडाइवर्सिटी कंट्री के नाम से जो है ये जाना जाता है. नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया वी फाइंड पिक्चर प्लांट्स? इनमें से ऐसा कौन सा एरिया है, कौन सा एरिया जहाँ पे हम पिक्चर प्लांट्स को देखने को मिलते हैं? आपको पता है पिक्चर प्लांट जो है वो इंसेक्ट्स को जो है वो ट्रैप कर देता है अपने अंदर. तो सुंदरबन डेल्टास में, थार डेजर्ट में, वेस्टर्न गार्ड में या रेन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया? तो कौन सा है? रेन फॉरेस्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हमें पिक्चर प्लांट जो है वो देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट, अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी स्पीसीज आर असाइंड विद साइंटिफिक नेम्स? अप्रॉक्सीमेटली आपको बताना है कि
अप्रॉक्सीमेटली बता सकते हैं, क्योंकि स्पीसीज जो है वो मिलियंस में है। तो इनमें से कितनी सारी स्पीसीज को हमें साइंटिफिक नाम जो है वो दे दिया है? अराउंड 1 मिलियन, अराउंड 1.5 मिलियन, अराउंड 2 मिलियन या अराउंड 2.5 मिलियन। तो कितने को हमने जो है नाम जो है साइंटिफिक नेम्स जो है वो दे दिए? अराउंड 1.5 मिलियन जो है हमने साइंटिफिक नेम्स जो है वो स्पीसीज़ को दे दिए हैं। अगर हम टोटल नंबर की बात करेंगे तो मोर देन 2 मिलियन जो है हमारे पास स्पीसीज जो है वो है। ठीक, नेक्स्ट, हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर देयर इन स्पीसीज डाइवर्सिटी? कितने कंपोनेंट्स हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी में? ठीक है, 1, 2, 3 और 4। तो कितने हैं? ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, 3। अब मैं बताती हूँ कौन कौन से हैं। 3 कंपोनेंट्स, फर्स्ट रिचनेस, ठीक है, सेकंड टेक्सोनॉमिक डाइवर्सिटी, थर्ड स्पीसीज एविनेस। ठीक, नेक्स्ट, विच इज़ द लार्जेस्ट स्केल ऑफ बायोडाइवर्सिटी? लार्जेस्ट स्केल कौन सा है बायोडाइवर्सिटी का? सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी जो है वो किस में, कौन से स्केल में पाई जाती है? स्पीसीज डाइवर्सिटी में, जेनेटिक डाइवर्सिटी में, या सेल डाइवर्सिटी में, या इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में? तो सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी जो है तुम्हारी किस में पाई जाती है? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में। इसमें बहुत आते हैं, टेरिस्ट्रियल भी आता है और एक्वेटिक इकोसिस्टम भी आता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी किस में पाई जाती है? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डाइवर्सिटी बूस्ट द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन? इनमें से कौन सी ऐसी डाइवर्सिटी है जो ऑक्सीजन की एबिलिटी को जो है बूस्ट अप करती है, ज़्यादा देती है हमें? स्पीसीज डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, तुम्हारी जेनेटिक डाइवर्सिटी या सेल डाइवर्सिटी? तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कौन सी डाइवर्सिटी देती है? तो ऑब्वियस है, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। नेक्स्ट, हाउ डू ह्यूमन एक्टिविटीज इफेक्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी? ह्यूमन एक्टिविटीज़ कैसे इफेक्ट करते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी को? ड्यू टू ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ ह्यूमंस, ड्यू टू कंजर्विंग द फॉरेस्ट, ड्यू टू अ डिक्लाइन इन पॉपुलेशन ग्रोथ इन ह्यूमंस, या ड्यू टू डिक्रीज इन पॉपुलेशन काजिंग बाई इंडस्ट्रीज? तो ऐसी कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है जो स्पीसीज डाइवर्सिटी को जो है वो इफेक्ट करती है? तो वो कौन सी है? ड्यू टू डिक्लाइन इन पॉपुलेशन ग्रोथ इन ह्यूमंस, ड्यू टू डिक्रीज इन पॉपुलेशन, नहीं, ड्यू टू कंजर्विंग द फॉरेस्ट, ड्यू टू ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ ह्यूमंस। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, वट इज कॉल्ड फॉर डिस्क्रीट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम काइंड? जब सेम काइंड के ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत सारे ग्रुप बनते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? जीन्स, कम्युनिटी, स्पीसीज या कॉलम? तो सेम ग्रुप के होते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? स्पीसीज कहते हैं। अगर डिफरेंट ग्रुप का ग्रुप होगा, डिफरेंट स्पीसीज का ग्रुप होगा, तो उसको हम कम्युनिटी कहेंगे। अगर सेम काइंड के होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? स्पीसीज कहेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इकोसिस्टम डाइवर्सिटी? इनमें से कौन सी जो है वो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी की एग्जाम्पल है? अर्थ, सन, रिवर, ग्लास? तो इनमें से कौन सी है जो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी की एग्जाम्पल है? तो वो कौन सी है? अर्थ। ठीक है गाइज, आज हमने जो है बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी के रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन आपको आएंगे, जिसपे हमने इकोलॉजी, इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी के ऊपर जो है वो क्वेश्चन किए हैं। आपके जीके में स्पेशल मेंशन किया गया है ये टॉपिक, उसके ऊपर आज हमने क्वेश्चन किए। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को। थैंक यू।